कल विवाह हुआ और हम दुल्हा बने, राम राम, बाबा को दुल्हा बना दिया। अच्छा एक बात बताऊं, रुक्मणी जी के साथ में भगवान कृष्ण का विवाह तो हुआ, ठीक है। आज भी वृंदावन में या ब्रज क्षेत्र में राधा कृष्ण के विवाह को ही विशेष माना जाता है। आज भी साहब बरसाने से कोई नंदगांव जाता है ना बूढ़ा ब्रजवासी, तो वहां भोजन नहीं करता, कहता कि हमारी बेटी भी है साहब यहां, तो हम कैसे भोजन कर लेंगे। आज भी महाराज एक संत थे बरसाने में, संत तो क्या कहें, एक सेवक थे बरसाने के, बासी उम्र लगभग 50 वर्ष, 50 वर्ष के व्यक्ति, संतान के बोले कोई नहीं, एक पुत्री थी, पत्नी का देहावसान हो गया था, केवल एक पुत्री थी और पुत्री का नाम था रसिया, ऐसे ही कुछ नाम था जहां तक मुझे पता है, रतिया, रतिया नाम था, याद आ गया। ये ब्रजवृंदावन की घटना है साहब, ऐसे मत समझियो, कहीं ऐसा ना है कि सुन लिया और भूल गए। अरे नहीं महाराज, दिल में बिठाओ, मैं जो कहता हूं ना महाराज, आप कोशिश करो समझने की कि ये सब बातें ना बिल्कुल सच बात है। व्यास पीठ में बैठकर मैं मिथ्या थोड़ी बोलूंगा, बताने के लिए तो बहुत सारी बातें महाराज, समय बिल्कुल नहीं कैसे बताया जाए, पर ये बहुत विशेष बात है इसीलिए बता रहा हूं, तो सब लोग ध्यान दे के सुनेंगे इस बात को। ब्रज वृंदावन के संत बरसाने में जो रहते हैं, नाम है ब्रजदास, बेटिया का नाम है रतिया। पहले का जमाना महाराज, घोड़ा गाड़ी कहाँ हुए, नहीं था वहां कुछ भी नहीं, बैलगाड़ी होते थे, कभी वो भी नहीं मिलता था। उनका काम था बरसाने में जो संत आए उनकी जितनी हो सके सेवा करें। अब महाराज बरसाना प्यारी जी को धाम, लाडली जी को धाम कौन नहीं जाता, हम हैं महाराज वृंदावन जाते हैं, अगले दिन सोचते हैं सुबह चलो चले हैं बरसाना, सच बताते हैं मन होता है महाराज, बरसाना जाने का किसका मन नहीं है। हमें दो चार दिन वृंदावन में बास ठाकुर जी दें, कथाओं से फुर्सत, तुरंत बरसाना। संत बरसाने जाते रहते। एक बड़े बूढ़े संत ने कहा जेठ के महीने में, बोले ब्रजदास जी बाबा कहिए, लाला कल नंदगांव जाने को मन है हमारो। जी बाबा कहिए, कहाँ सेवा करूं मैं, कछ नहीं बाबू, बड़ा थोड़ा ना सामान ज्यादा था। संत जो होते हैं ना महाराज, जो एक ही जगह नहीं बैठते, कम्बल है, आसन है, कमंडल है ना, एक कमंड बिछाने के लिए, एक ओढ़ने के लिए, सामान बहुत है, पैदल जाना है बहुत दूर तो नहीं है, फिर भी 10 किलोमीटर तो होता है, तो ब्रजदास ले चलोगे। ब्रजदास ने कहा महाराज जी जरूर ले चलूंगो, पर जेठ को महीना है ना जून को, धूप बहुत है जाएगी, सवेरे ने की जल्दी उठ रही हो। बाबा बोले हम तो सुबह जल्दी उठते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा ठीक है बाबा। अगले दिन महाराज ब्रजदास उठे, कहा महाराज चलिए। महाराज बड़े बूढ़े साधु थे ना, काफी समय लगा, स्नान किया, संध्या किया, ठाकुर जी को याद किया, सूर्य भगवान को अर्घ दिया, करते करते महाराज बहुत समय बीत गया। शुभ यात्रा, कहा चलें, तो चलते हैं, चलना तो चाहिए, चलो चलते हैं। अब महाराज बड़े बूढ़े साधु 2 कदम चले, सांस फूलने लगे, चलो नहीं जाए महाराज। करते करते सवेरे जल्दी उठे, पर ध्यान जो है कब नंदगांव पहुंचेंगे ऐसा लगा। अब समय बीतता गया और धूप तेज महाराज,
ढाई बज गए पहुंचते पहुंचते, दोपहर ढाई बज गए महाराज। अब सोचो ढाई बजे स्तुति कह रही होगी, जून का महीना, धूप भयंकर, और ब्रजदास अपने लिए जल भी लेके नहीं गया था। अच्छा जल भी लेके नहीं आए, हाँ अब करें क्या, पी लो जल। नहीं नहीं महाराज, महाराज दोपहर दो बजे पहुंचे बरसाना। नहीं दीजिए ठाकुर जी, कहाँ ठाकुर जी करने चाहिए, आए हाँ जय हो गोपाल। अच्छा जय हो। तो बरसाना पहुंच गए दोपहर को दो बजे, जून का महीना, महाराज गला सुखा जा रहा है प्यास से, क्या पिया जाए जल। जैसे बाबा को बैठा है, बाबा मैं चलता हूं। अरे ब्रजदास रुको, बरसाना आए हो, जिस आश्रम में आए हैं ना वहां कुछ पाके जाते हैं, कुछ पाए, क्या पाओगे। नहीं महाराज मैं तो पा नहीं सकता। बोले क्यों, अब न कहना यहां बाबा जलपान की, अब न कहना यहां बाबा जलपान की, कृपा ही कृपा है जो श्रीमान की। अच्छा क्यों नहीं करोगे, क्यों नहीं खाओगे। कहा जानते हो यहां पे बाबा नंद को सुत को, बेटी ब्याही है हमारी वृषभान की। बोले यहां तो हमारे वृषभान जी की बेटी ब्याही है, किसके संग, बाबा नंद के लाडले के संग, और बेटी के घर पे आके हम कैसे खाएं। तो बहुत सारे साधु बैठे थे, अरे वाह बेटी के घर आए तो फिर कुछ भेंट दे के जाओ। तो ब्रजदास ने जवाब दिया, हम गरीबों के पास क्या भेंट बेटी के लिए, हम गरीबों के पास क्या भेंट बेटी के लिए, हे बहुत जो करे ईमान की रक्षा, हे बहुत जो करे ईमान की रक्षा, हम ईमानदार रहे इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है। महाराज फलाने की बेटी है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अच्छा अच्छा ब्रजदास फिर तुम जाओ, साधु ने कहा तुम चले जाओ। अब गए तो मैंने कहा था ना, पास कौड़ी रखे नहीं, मांगन में सकुचाए, ताको पाछे हरी चले, कहीं भूखो रहे न जाए। कन्हैया ने देखा बढ़िया ससुर आयो है, न कछु खायो न कछु पियो, सबरो बचा के जा रहे, लेकिन पाछे पाछे जाए कहा होएगो भैया। महाराज कन्हैया पीछे 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 गए, और भयंकर धूप, बहुत भयंकर धूप। ब्रजदास गिर पड़े महाराज, सुबह से न पानी पिया न कुछ। अब ठाकुर जी ने कितना दिव्य, देखो कृष्ण कन्हैया लाल ने चतुर्भुज प्रकट किया, गोद में बिठाया, एक हाथ से मोर पंख किया, कहा उठो उठो उठो। पर ब्रजदास तो केवल राधे 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 करते जा रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा तो उड़ता ही नहीं, बुला बुला कर थक गए, बोलत नहीं कछु ये बैन, भक्त वत्सल घनश्याम के भरिया ए दोने। कन्हैया की आंखों से अश्रुधारा प्रभावित होने लगा, महाराज मैं बुला रहा हूं बोलता ही नहीं है, क्यों। बोले बस राधे राधे, कुछ नहीं और। आहा यहां तो वही भाव आ गया महाराज, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि चले, कहते कबीर कबीर। महाराज अब जो है यहां बैठे हैं, अब घनश्याम ने सोचा क्या करें क्या करें क्या करें, अब कुछ नहीं। दोपहर महाराज धूप में घनश्याम ने दौड़ लगाई किधर, बरसाने की ओर दौड़ लगा के पहुंचे। तो राधा रानी, श्रीजी महल देखा है ना आप सबने, हाँ बरसाने में
श्री जी महल में श्री राधा रानी जो है संगीत सुन रही थी बढ़िया से। ठाकुर जी दौड़े दौड़े पसीने पसीने हो गए पहुंचे। राधा रानी ने कहा, खरी दोपहरी जेठ की, ऐसे में ब्रजराज विनोद कर दिया, खरी दोपहरी जेठ की, ऐसे में ब्रजराज दासी पर करके कृपा, आए हो कौन काज। ठाकुर जी बोले, कहा मंदिर पर संगीत सुन मगन हो रही आप। ठाकुर जी ने किससे कहा, राधा रानी ने, मंदिर पर संगीत सुन मगन हो रही आप, और नंद गांव के डगर पे पर्यो है आपको बाप। कहा नंद गांव के डगर पे तो आपके पिताजी हैं। बोले कौन पिताजी है? अरे तुम नहीं समझोगी, चलो दर्शन देने। राधा रानी बोली, मैं कैसे नहीं समझूंगी, तुम कुछ नहीं कर पाए। बोले नहीं कुछ कर पाया, तुम चलो महाराज। अब राधा रानी निकलने लगी, कन्हैया ने कहा ऐसे नहीं किशोरी जी, कैसे? बोले उसकी जो बेटी है, बेटी बेटी है ना रतिया, उसका भेष बनाओ। तो महाराज बढ़िया से रतिया का भेष बनाया श्री राधा रानी ने, प्रत्यक्ष घटना। और महाराज पीतल के थाली में भोजन लगाई, शीतल सुनीर घट बिच भर लाई है, भक्त ब्रजदास के विनीत भवभादा हरण, रतिया के रूप में आज श्री राधा रानी आई है, रतिया के रूप में आज श्री राधा रानी आई है। बोलिए लाडली सरकार की जय। महाराज राधा रानी रतिया बन के आई और ब्रजदास को उठाया। अरे बाबा, अरे बेटी तू आ गई। हाँ बाबा, मुझे लगा कि आप थोड़े लेट हो जाएंगे इसीलिए मैं आई। अच्छा महाराज, तो बोले बाबा साग और रोटी लेके आई हूँ पीतल की थाली में और एक लोटे में जल। महाराज भूख बहुत लग रही थी, कथा में मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, भोजन के समय तो और भी नहीं, तब तो था भी नहीं होगा हैं? तो ब्रजदास बिना मोबाइल देखे ही बढ़िया से भोजन करने लगे। और महाराज भोजन करते करते ब्रजदास ने कहा कि बेटी तू आई कैसे? बोले बाबा मैंने भोजन बना के रखा और आपके बिना भोजन करने का मन किया नहीं, इसीलिए मैं जो है आ गई। अच्छा एक काम कर बेटी, भोजन बढ़िया से कर लिया, थक गया हूं, ये जल का लोटा छोड़ दे, आधा जल बचा है मैं पी के आ जाऊंगा, तू चली जा। बच्ची थी बेटी, खेलते खेलते आ गई। और ब्रजदास महाराज शाम को जब घर आए, कहा रतिया तूने भोजन बहुत बढ़िया बनाया था। रतिया बोली, अरे पिताजी क्षमा करना। क्या? बोले घर में कुछ मेहमान आ गए थे ना, इसीलिए मैं आ नहीं पाई। तू नहीं आ पाई? झूठ बोलती है, क्यों मजाक करती है? नहीं पिताजी मैं तो नहीं आ पाई, ये देखिए घर में ताऊ जी दादाजी आए। अरे ताऊ प्रणाम किया। बोले बेटा ये लोटा। कहा लोटा? ये तो कुछ जाना पहचाना लोटा है। जब देखा रतिया ने कहा, बाबा ये तो श्री जी मंदिर में मैंने दर्शन किए थे इस लोटे के, ठाकुर जी को भोग लगता है इसमें तो। जैसे ही महाराज सुना ब्रजदास ने, गदगद हो गए। बस उसके बाद तो महाराज घर में रहना भी छोड़ दिया उन्होंने, और जो है किशोरी जी के मंदिर में जाके रहने लगे महाराज। 24 घंटा मंदिर में बाज गदगद हो गए। और महाराज उसके बाद तो जो भी संत आए नंदगांव जाए, और उनका पूरा जीवन महाराज श्री जी के तलहटी पर ही गुजरा। और हमारे गुरुदेव कहते थे कि जब उनका शरीर चला गया तो ब्रज क्षेत्र के सारे संतों ने निर्णय लिया कि एक जो है शोक सभा करेंगे, इतना दिव्य। और उनके जो है अंतिम यात्रा में ब्रज के सारे संत गए महाराज।